आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो रहिए एंड तक हमारे संग इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं 15 उन सभी घटनाओं के बारे में जो कि खेल के मैदान में रखती हैं खास अहमियत और जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जनाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट यार, और साथ में लगी घंटी को दबा दीजिए। सो लेट्स बिगिन गाइस। नंबर 1, म्यूनिक ओलंपिक दुर्घटना। दोस्तों, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक को हमेशा दुर्भाग्य से एक बात के लिए याद रखा जाएगा और वो है द म्यूनिक टेरर अटैक। आपको बता दें कि 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में नरसंहार तब हुआ था जब इसराइली ओलंपिक टीम के सदस्यों को बंधक बना लिया गया था। आगे और भी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किस शहर से हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 पर जैकी रॉबिन्सन। दोस्तों, अमेरिका में बेसबॉल की दीवानगी कितनी ज्यादा है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। वही अमेरिकन बेसबॉल लीग को मेजर लीग बेसबॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन पहला अश्वेत खिलाड़ी था जिन्होंने अमेरिकन बेसबॉल लीग में अपनी जगह बनाई? सोचिए, बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उनका नाम है जैकी रॉबिन्सन। आप जानते हैं उस समय अमेरिका के लिए किसी अश्वेत खिलाड़ी का लीग में खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मतलब भेदभाव हर जगह है, पर जैकी रॉबिन्सन ने ये कारनामा कर दिखाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 अप्रैल 1947 में जब डॉजर्स की टीम ने रॉबिन्सन को अपने साथ जोड़ा तो वो पहला मौका था जब 1880 के नीग्रो लीग के बाद अश्वेत खिलाड़ियों को टॉप डिविजन लीग में खेलने का मौका मिला। बाद में जैकी रॉबिन्सन को 1962 में बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम ठान ले तो मुश्किल कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 3 के साथ। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े टेनिस खिलाड़ियों में से एक सर्बिया के नोवाक जोकोविच हमेशा ही खेल के मैदान पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, पर नोवाक जोकोविच ने खेल के मैदान पर अपने उदार दिल के लिए भी बहुत नाम कमाया है। जोकोविच ने छाता लेकर आ रहे बच्चे के साथ कितना शानदार व्यवहार किया था, देखना है तो प्लीज इन फोटोज को देखिए। ना सिर्फ बच्चे के हाथ से छाता लिया बल्कि उसे एनर्जी ड्रिंक भी दी। सच में जोकोविच जितने बड़े खिलाड़ी हैं उससे भी शानदार एक इंसान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंसान कैसे हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन व्यवहार सबसे अच्छा करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के साथ, मार्शल फुटबॉल टीम का विमान दुर्घटनाग्रस्त। दोस्तों, सर्दन एयरवेज फ्लाइट 932 को पूरे मार्शल फुटबॉल टीम को वेस्ट वर्जीनिया में ले जाना था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस टीम की ये आखिरी उड़ान है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। विमान में सवार एक भी यात्री नहीं बचा और पूरी मार्शल फुटबॉल टीम का एक ही छटके में सफाया हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जो 100 सालों में शायद ही कभी देखी गई हो और खेल के इतिहास में सबसे निराशाजनक क्षणों में से एक है। नंबर 5, मैजिक जॉनसन ने अचानक लिया संन्यास। दोस्तों, किसी भी समय के 5 सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक मैजिक जॉनसन ने अचानक ही बास्केटबॉल खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जब उन्होंने संन्यास लेने की बात कही तो वो अपने करियर के पीक पर थे और उच्च स्तर पर खेल रहे थे, लेकिन अचानक ही संन्यास ले लिया। आप जानते हैं ऑल टाइम ग्रेट मैजिक जॉनसन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। इन्होंने दुनिया के सामने 7 नवंबर 1991 को ये घोषणा की कि वो HIV पॉजिटिव है। ध्यान रहे, 1991 में HIV के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। कई लोगों का ये मानना था कि ये दुनिया की सबसे खराब बीमारी है। मैजिक जॉनसन ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की और पूरी दुनिया इस खबर से परेशान हो गई। ये हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात थी, लेकिन खेल जगत में मैजिक जॉनसन की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। नंबर 6, लियोनेल मेसी और बच्चे के साथ फोटो। दोस्तों, बार्सिलोना के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। उनका दिल भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं, एक बार की बात है, मेसी किसी इवेंट के लिए मैड्रिड शहर में थे। उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स तैनात थे। तभी एक छोटा सा बच्चा मेसी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है और बॉडीगार्ड्स ने छोटे बच्चे को मना कर दिया। जब ये बात फुटबॉल लेजेंड मेसी को पता चली तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहकर उस बच्चे को दोबारा बुलाया और साथ में सेल्फी ली। इसके बाद छोटे बच्चे की खुशी, मेसी ने अपने इस काम से सबका दिल जीत लिया। नंबर 7, खेल से बढ़कर इंसानियत। दोस्तों, दो टीमों के बीच फुटबॉल का मुकाबला चल रहा था। गोलकीपर ने गेंद रोकने की कोशिश की और दूसरी टीम का खिलाड़ी गंभीर तरीके से चोटिल हो गया, और बात यहाँ तक आ गई कि उस खिलाड़ी को सांस लेने में परेशानी होने लगी। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कैसे दूसरी टीम के खिलाड़ी भी चोटिल प्लेयर की मदद कर रहे हैं। भाई, इस घटना ने सबका दिल जीत लिया और लोगों को ये समझाया कि खेल से बहुत बढ़कर इंसानियत है। नंबर 8,
आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, यूएस ओपन के एक मैच के दौरान बॉल बॉय को चोट लग गई और गेंद सीधे जाकर बच्चे के पेट पर लगी। वो बेचारा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जब ये बात मैच खेल रहे खिलाड़ी को पता चली तो वो खुद ही बच्चे के पास गए और उससे बातचीत करने लगे। ये नजारा वाकई में बड़ा शानदार था। ऐसे मौके खेल के मैदान पर कम ही देखने को मिलते हैं। नंबर 9, फुटबॉल खिलाड़ी ने बचाई पक्षी की जान। दोस्तों, जर्मनी में एक फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी से एक पक्षी टकरा गया और फिर पक्षी को चोट लग गई। लेकिन जैसे ही खिलाड़ी को इस बात की जानकारी मिली, उसने खेल को रुकवाया और फिर उस पक्षी को मैदान से खुद ही बाहर पहुंचाया। इस नजारे को जितने भी लोगों ने देखा उस मैदान में, जितने भी दर्शकों ने, सबने उस फुटबॉल खिलाड़ी की बहुत तारीफ की। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 10 के संग। दोस्तों, अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको मैसी के बारे में बताया था। ये वाला किस्सा भी मैसी का ही है। दोस्तों, मैसी की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके प्रति दीवानगी है, वो किसी से छिपी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है लोगों के मन में। और जब बात बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की हो तो भाई लोग लियोनेल मेसी को ही देखने आते हैं। ऐसा ही एक नजारा तब सभी को देखने को मिला जब एक मैच के दौरान मेसी का फैन मैदान पर आ गया और मेसी से मिलने की बात कहने लगा। मेसी उनसे मिलने भी गए, फिर क्या था, उस फैन ने उनके पैरों को चूमा और मेसी ने भी अपने चाहने वाले को गले से लगाया। ये नजारा दोस्तों बेहद ही शानदार था। वैसे आप भी किसी से इतना प्यार करते हैं? किसी स्टार के प्रति आपके मन में उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत है, इतने बड़े फैन हैं, तो हमको उस स्टार का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब चलते हैं आगे नंबर 11 के साथ। लेब्रॉन जेम्स ने किया कमाल। दोस्तों, सुपरस्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को कौन नहीं जानता है। वही एनबीए के एक मैच के दौरान लेब्रॉन जेम्स को जब पता चला कि स्टेडियम एक स्पेशल ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला खिलाड़ी मौजूद है, तो मैच के बीच में ही उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। दोनों खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाया, गले लगे और फिर लेब्रॉन जेम्स मैच खेलने गए। लेकिन ये यादें हमेशा सभी के जहन में रह गई। वैसे मुझे अभी एक और किस्सा याद आ रहा है, नंबर 12 वाला, जिसमें आप जानेंगे माइकल जॉर्डन जैसा कोई नहीं। दोस्तों, 1998 में माइकल जॉर्डन का अंतिम एनबीए सीजन था। ये बात दुनिया में हर कोई जानता था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो अपने करियर को कैसे खत्म करेंगे। हालांकि एक बात ये सबको मालूम थी कि माइकल जॉर्डन अपने आखिरी मैच में पूरी ताकत लगा देंगे, और माइकल जॉर्डन ने वही काम किया। मैच खत्म होने में 20 सेकंड से कम का समय बाकी था। माइकल जॉर्डन की टीम 86-85 से पीछे चल रही थी। सभी को लगा कि माइकल जॉर्डन की टीम इस मैच को हार जाएगी, लेकिन याद रखिए, वो मुकाबला माइकल जॉर्डन के करियर का आखिरी मैच था। और माइकल जॉर्डन तो भाई माइकल जॉर्डन ही थे, हारना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आखिरी के 10 सेकंड में माइकल जॉर्डन ने 3 अंक हासिल करके इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलवा दी। उस दिन सब भी ने मान लिया कि बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। वैसे आप ऐसे किसी प्लेयर को जानते हैं जिसने अपनी टीम को रोमांचक तरीके से जीत दिलवा दियो, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। चलिए दोस्तों, भारत कभी हॉकी का दीवाना देश हुआ करता था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। भाई लोग कहते थे कि उनकी गेंद उनका कहना मानती थी। भारत ने हॉकी में मेडल और कप तो जीते ही, लेकिन समय के साथ साथ भारतीय दर्शकों का मन भी बदलता चला गया। जहां पहले स्टिक, बॉल, गोल पोस्ट का धमाल था, वहीं धीरे धीरे उसकी जगह गेंद, बल्ले और 22 गज की पिच ने ले ली। दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट 1980 के दशक के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, जब भारत ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। और जैसे कि पिछले किस्से में जिक्र हुआ भाई मेजर ध्यानचंद जी का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस मूवमेंट के बारे में जब मेजर ध्यानचंद से हिटलर को लगा डर। यस, 1936 में बर्लिन ओलंपिक भारत और जर्मनी दोनों देश हॉकी के फाइनल में पहुंचे थे। भारतीयों का ऐसा हुजूम देखकर हिटलर सहित जर्मनी के सभी दर्शक दंग रह गए। उस फाइनल मैच में मेजर ध्यानचंद की तबीयत खराब होने की वजह से वो बाहर बैठे हुए थे। हाफ टाइम तक भारत 1-0 से आगे था। साइड लाइन में बैठे ध्यानचंद ये सब देख रहे थे और फिर उनके अंदर का खिलाड़ी उन्हें बाहर बैठने की गवाही नहीं दे रहा था। अब उनसे रहा नहीं किया, उन्होंने अपने जूते बाहर निकाले और खाली पैर ही जर्मन की टीम को नस्ते नाबूद कर दिया। और जब मैच खत्म हुआ तो स्कोर 8-1 था। वही मैं आपको बता दूं, सेकंड हाफ में 7 के 7 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे और भारत को गोल्ड मेडल दिलवा दिया। इसलिए तो इनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर। चलिए अब बताता हूँ मैं आपको नंबर 15 के बारे में। दोस्तों, रेसलिंग के रिंग की एक ऐसी तस्वीर जो आपने कभी नहीं देखी होगी। मुकाबला 2 खिलाड़ियों के बीच चल रहा था जो कि बेहद दमदार थे। दोनों में से कोई भी हार मारने को तैयार नहीं था। मुकाबला घंटों तक चला, फिर भी रिजल्ट नहीं आ सका और आखिरी में दोनों खिलाड़ी चोटिल हो गए। मैच को रोकना पड़ा। मैच रेफरी ने फैसला लिया कि जो चोटिल है वो इस मैच में आगे नहीं खेल सकता, उसे हारा हुआ माना जाएगा। मैच का फैसला आया, विजेता की घोषणा की गई, लेकिन फिर जीते हुए खिलाड़ी के व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया। देखिए जरा इंसानियत का नजारा, किस तरह से अपने विपक्षी खिलाड़ी को जो कि चोटिल है उसे अपने कंधे पर ले जाकर वो मैदान से बाहर ले गए। शायद किसी ने सच ही कहा है
कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं और खेल खेल में ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं और दूसरों को भी सिखा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स जो खेल के दौरान घटे। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और संग में से शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।